Hello students, आचार्य जी के आदेशानुसार आपकी इस विपरीत परिस्थिति में कठिनाइयों को देखते हुए कुछ सेल्फ इंस्ट्रक्टिव मटेरियल प्रदान करने के लिए मैं इस समय साधन विहीन होते हुए कुछ मटेरियल आपको देने का प्रयास करूंगा। जैसा कि आपको पता है कि यह समय अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ है। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अध्ययन करते रहें, इसी शुभकामना के साथ मैं आपको आज कुछ बताने का प्रयास करूंगा। वैसे तो बोर्ड की आवश्यकता थी, लेकिन बोर्ड के ना होने के कारण, सारे आसपास के स्कूल के बंद होने के कारण मैं बोर्ड, ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड का इंतज़ाम नहीं कर पाया। इसलिए आपको मिनिमम साधन, मिनिमम रिसोर्सेस के साथ मैं आपको पढ़ाने का कुछ प्रयास करूंगा। क्लास टेंथ के लिए जो कि बोर्ड का है, इसलिए पढ़ना जारी रखें और इस महत्वपूर्ण समय का सदुपयोग करें। आपको बहुत ज़्यादा अध्यापकों से सहायता तो नहीं मिल सकती, किंतु आपके पास जो सेल्फ इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्टिव मटेरियल है, उस मटेरियल के साथ आप लोग लगातार लगे रहें। अपने आप को क्वारंटीन करते हुए, आइसोलेट करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए पढ़ें। आज मैं आपको शुरुआत करूंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच से। स्पेशली क्लास टेंथ के लिए मैं आप लोगों को संबोधित कर रहा हूं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, सर्वोत्तम अंग है, उसका नाम है वर्ब। इसी वर्ब से संबंधित, वर्ब क्या है, वर्ब का प्रयोग किस प्रकार से होता है, वर्ब कितने प्रकार का होता है, इन तमाम सारे चीज़ों को बताने का प्रयास करूंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्ब सेंटेंस का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। बिना वर्ब के वाक्य का निर्माण असंभव सा हो जाता है, असंभव है। इसलिए वर्ब को पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं आपको वर्ब का डेफिनेशन बताने का प्रयास करूंगा। वर्ब का डेफिनेशन क्या है? वर्ब का डेफिनेशन वर्ब क्या है? वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। वर्ब एक एक्शन वर्ड है। अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। वर्ब ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, क्रिया कहलाता है, वर्ब कहलाता है। ये शब्द किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के बारे में कुछ कहते हैं। तो हम आज आप लोगों को इसी संबोधन के साथ लिखित मटेरियल, अपने द्वारा लिखित मटेरियल के माध्यम से आप लोगों को आगे ले चलता हूँ।